विकास भवन उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर संगठन ने भरी हुंकार। विकास भवन के कार्यालय में तालाबंदी कर किया कार्य बहिष्कार, अपना विरोध जताया, जिसकी अध्यक्षता ब्रज किशोर सिंह संचालन राम जन्म प्रसाद रावत ने किया। पीड़ित ब्रज किशोर सिंह कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ ज्ञात हो 24 अगस्त को विकास भवन के प्रथम तल के शौचालय साफ सफाई को लेकर नाजिर को बुलाएगा। नाजिर के अवकाश पर रहने के कारण उनके सहयोग में आपके पक्ष में उपस्थित हुआ। आप द्वारा अपने पक्ष में साफ सफाई को लेकर मेरे बातों को न सुनकर मेरे साथ बुरा व्यवहार एवं अपशब्दों का प्रयोग किया गया। अभिकरण द्वारा भी अपने कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार एवं प्रताड़ित किया जाता। अधिकारी बात बात पर निलंबित करने की बात कहते। इस प्रकरण को लेकर संगठन आज धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। इस मौके पर शिव मोहन सिंह, अशोक श्रीवास्तव और भी लोग मौजूद रहे। मैं ब्रज किशोर सिंह ग्राम विकास मिनिस्ट्री संघ का एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष हूँ। जिला विकास कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात हूँ। मैं अपने कमरे में बैठा था, मेरे साथ में मेरे श्री पंकज कुमार वर्मा जो है नाजिर विकास थे, वो बैठे थे अवकाश पर थे। नाजिर को बुलाया गया, हम दोनों लोग एक ही साथ काम करते हैं, आज वो दो दिन के अवकाश पर थे। मैं उनको बताने गया कि नाजिर विकास अवकाश पर हैं, पर उनके कमरे में जब मैं गया तो नाजिर विकास की बात क्या कुछ सुने ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि शौचालय में बदबू आ रही, गंदगी है, बेशर्म हो, शर्म नहीं आती है, तुम्हारा परिवार गंदा है। मुझे वहाँ इतना साक लगा कि मैं कुछ भी कह नहीं पाया, बोल नहीं पाया। कर्मचारी दो महिलाएं खड़ी थी, कर्मचारी अंदर की बात थी जो है चैम्बर के उनके कार्यालय में, मैं कोई प्रतिवाद नहीं, मेरे द्वारा नहीं किया गया, पर उनके उत्तेजना में इतना बार बार बेसर में बार बार कार्रवाई करने के लिए, बार बार सस्पेंड के लिए, यह भी नहीं पूछे कि आप किस पद पर हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कौन से आपका क्या दायित्व तो है, बिना जाने बिना समझे कुछ। मैं अपनी मैं बता रहा हूँ, वहाँ सफाई कर्मी तैनात हैं, नहीं अभी यह सफाई कर्मी तैनात करो, अभी कर्मचारियों को अभी आदेश कराओ। आप इतने दिन से आप अधिकारी, आप यहाँ सीढ़ियों पर तैनात, आपको यह नहीं पता है कि कर्मचारी बिना तैनात किए ही साफ सफाई होता होगा। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि जब एक संगठन के पदाधिकारी के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जा रहा है तो हमारे बाकी कर्मचारियों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि सीडीओ साहब, ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कि सीडीओ साहब हम लोगों के बीच में खेद नहीं प्रकट कर लेंगे, क्षमा याचना क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक यह धरना। मैं राम जन्म प्रसाद रावत, मंडल अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ। विकास भवन के मुख्य विकास अधिकारी हैं, साफ सफाई को लेकर के नाजिर विकास को बुलाए, नाजिर विकास के अवकाश रहने पर उनके सहयोग में हमारे विकास भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह उनके कक्ष में गए। साफ सफाई की बात करते करते अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिए। ब्रज किशोर सिंह द्वारा अपनी बातें कर पाते कि इनकी बात को सुनबे नहीं किए, सुना नहीं किया, और यहाँ तक इनके घर तक ही पहुँच गए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कि तुम गंदे हो, तुम्हारा परिवार गंदा है, इन शब्दों का प्रयोग किए। संगठन के पदाधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार अधिकारियों का करना ये संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तक तो ये लोग कर्मचारियों को अपशब्दों का प्रयोग करते थे, अभी लोगों की हिम्मत बढ़ गई है। संगठन क्या मांगे हैं और क्या चाहे हैं? संगठन की मांग यही है कि ये अपशब्दों का प्रयोग किए हैं, संगठन के कर्मचारियों के बीच में आकर के ये माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। भविष्य में अगर ये संगठन चला तो अन्य जनपद के संगठन भी विकास भवन पर आएंगे और इस प्रदर्शन में शामिल होंगे।